खाना खा लिया? चाय बनाओ। यार प्लीज। अभी बना। थैंक यू। फिर मेरे बेटे ने इजाजत दे दी है तुम्हें नौकरी करने की कि नहीं? मैंने इजाजत मांगी नहीं है उससे। तुम्हें किसी बड़े ने ये बात सिखाई नहीं है कि शोहर को कभी भी उस नहीं कहते, उन कहकर मुखातिब करते हैं। हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, उसे कोई एतराज नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर उसे एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हैं? मैं किसी और हूं? मैं माँ हूं उसकी। 9 महीने मैंने उसको पेट में रखा है, बेवकी काटी है, मेहनत मजदूरियां करके मैंने उसको पाला है, पढ़ाया लिखाया है इस दिन के लिए कि तुम्हारी जैसी लड़कियां आए और उठ के मुझे ऐसी ऐसी बातें करें। तो फिर आंटी पैदा करने और पालने के साथ साथ थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे देती हूँ उसे, ताकि उसमें हिम्मत आ जाती है अपने किए हुए फैसलों को ओन करने की। अब तुम्हारे जैसी कल की चिल्लतर लड़कियों ने मुझे बताना है कि मैंने अपने बेटे की कैसे परवरिश करनी थी। पहले तुमने मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसाया, अब तुम्हें उसमें नुक्स नजर आ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं फंसाया आंटी, और आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने जो कहना है आप अपने बेटे से कहिएगा, और जहां तक रही बात मेरी जॉब की, तो वो मेरा और मेरे शौहर का मामला है। क्या हुआ? हो रहा क्या है? सस्ता ते कोई माते दी गल भी दसन तो पुट्ठा उन्हां दे गले पै जांदियां ने। क्या हुआ मन्नत? कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कि सिर्फ बात हो रही है। क्या हुआ? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? मन्नत रेन देवे, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने तो यही कहना है ना कि सास नंद ही जुल्म करती है, सास और नंद ही बुरी है क्या?